नमस्कार मैं हूं कमल श्रीमाली आपका स्वागत अभिनंदन हमारे इस कार्यक्रम खेल ग्रहों का में हम बात कर रहे हैं राशिफल जुलाई 2019 के बारे में और अब बारी है मिथुन राशि की हम ये राशिफल मून साइन पर अर्थात आपकी राशि के अनुसार चंद्र राशि के अनुसार दे रहे हैं मिथुन राशि के व्यक्ति जुलाई 2019 में अपने घर गृहस्थी से अर्थात वर्किंग एनवायरमेंट से और फाइनेंशियली इन चीज़ों से परेशान हो सकते हैं अर्थात जुलाई महीने में आपको प्रॉपर्टी यदि कोई ले रहे हैं कोई फाइनल डील चल रही है तो बहुत सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए हो सकता है उसमें कोई प्रॉब्लम हो कोई फ्रॉड का अंदेशा हो तो किसी अच्छे वकील से संपर्क करके कागज़ चेक करा लीजिए उसके बाद में आगे बढ़िए क्योंकि संभव है आपके साथ में कुछ अघटित घट जाए अर्थात तो प्रॉपर्टी के मामले में फैसला पैसा फंस जाए या गलत प्रॉपर्टी हाथ में आ जाए ऐसा हो सकता है इसलिए सावधान रहना है साथ ही साथ जो सिचुएशन घर में है घर में आप हावी होने की कोशिश करेंगे अपना जोश अपना गुस्सा अपना एक्साइटमेंट घर में घर में या घर वालों पर बताएंगे बीबी -बी बच्चों पर निकालेंगे उससे अच्छा है कि आप इस समय को एंगजाइटी में नहीं लें अपने आप पर कंट्रोल करें क्योंकि आपके आवेश से घर में एटमॉस्फेयर खराब हो सकता है घर वाले आपकी स्वास्थ्य को लेकर के चिंता कर सकते हैं तो साथ ही साथ आप जो भी आपके घर में माता पिता हैं भाई बहन हैं उन पर भी उसका असर नेगेटिव पड़ सकता है आपको देख करके वो भी अपना गुस्सा निकालने की ट्राई दूसरों पर कर सकते हैं इसलिए सावधान रहना ज्यादा अच्छा है अपने ऊपर कंट्रोल करना ज्यादा बेटर है फाइनेंस के सिचुएशन में इस माह में अगर आपने किसी को पैसा उधार देना है किसी की सहायता भी करनी है तो दो बार सोच लीजिए सामने वाले को एक बार सिर्फ और सिर्फ ये बोल करके टालिए कि मैं कोशिश करता हूँ यदि वास्तव में वो नीडी है तो सेकंड बार आपके आपके पास में आएगा आप प्रयास करेगा उस समय आप उसकी मदद करें तो ज़्यादा बेटर है तो इस ढंग से आप सम टाइम अपने आप को बचा भी सकते हैं बिना फालतू की चीज़ों में पैसा फंसने से अब बात करते हैं एजुकेशन की एजुकेशन का स्वामी अतः फिफ्थ हाउस का लॉर्ड शुक्र है शुक्र लग्न में है इसलिए एजुकेशन से भाग्य का निर्माण होगा अर्थात जो भी आप एफर्ट करेंगे भाग्य उसका साथ देगा और भाग्य व साथ आपको अच्छी जॉब आपको कंपटीशन में सक्सेस आपका इंटरव्यू में सक्सेस होना या आपका चयन होना आपका सेलेक्ट होना ये पॉसिबल है इसलिए एजुकेशन के मामले में मैं आपको बोल सकता हूँ कि यह माह जुलाई दो आपके लिए पॉजिटिव है और स्पेशली जो आर से रिलेटेड विद्यार्थी हैं जो क्राफ्ट से रिलेटेड हैं जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड पर्सन हैं उनको इस माह में ज्यादा सक्सेस मिलेगी साथ ही साथ जो भी इंजीनियरिंग के सब स्टूडेंट्स हैं चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि मंगल नेगेटिव होने के कारण उनको उतना सपोर्ट नहीं मिल पाएगा इसलिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी तब जाकर के आपको जो आपका रेशियो सक्सेस का है वहाँ तक आप पहुँच पाएंगे अर्थात यदि ग्रह वीक है ग्रह पीड़ित हैं तो मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी और यही ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो कम मेहनत में आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिल सकता है बहुत ज़्यादा गेन मिल सकता है अनएक्सपेक्टेड गेन वाली सिचुएशन आ सकती है हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ सेक्टर में जो बृहस्पति है वो राशि से सिक्स हाउस में है बृहस्पति सेवन्थ हाउस के लॉर्ड होकर के कुंडली में सिक्स हाउस में है इसलिए बृहस्पति हेल्थ में प्रॉब्लम करेंगे स्टमक से रिलेटेड एंटेस्टाइन से रिलेटेड एंजाइम से रिलेटेड और जो डायबिटीज़ के मरीज हैं उनको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा और साथ ही साथ जिनको बहुत छोटा बच्चा है या जो गर्भवती महिलाएँ उनको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी जो व्यक्ति संतान प्लान करना चाहते हैं किड्स की प्लान करना चाहते हैं उन लोगों को मैं ये सलाह दूंगा कि थोड़ा सा टाइम आप पेंडिंग कर लीजिए अर्थात उसको सरका लीजिए आप बाद में ट्राई करें तो और ज़्यादा बेटर परिणाम हो सकते हैं जिनकी मिथुन राशि है उन व्यक्तियों को मैं नवंबर से अच्छा टाइम पीरियड की घोषणा कर सकता हूँ कि वहाँ से अगर आप सोचें प्लानिंग के बारे में तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा क्योंकि पाँच नवम्बर दो को बृहस्पति राशि से सेवंथ से आ जाएंगे तो सेवंथ आने पर वो कुंडली में गेन स्थान को देखेंगे लग्न को देखेंगे और पराक्रम भाव को देखेंगे तो आपको इम्प्रूवमेंट देंगे और आपका कंसीमेंट जो भी जातक है उनको अच्छे ढंग से बच्चा पनपेगा या ये बोल सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम्स के आप उसको अच्छे ढंग से कैरी कर पाएंगे यह आपके लिए एक प्रकार से इंफॉर्मेशन है अच्छा होगा आप इसका लाभ उठाएं मैरिज लाइफ सेवंथ हाउस का लॉर्ड बृहस्पति है बृहस्पति खुद सिक्स हाउस में इसलिए सिक्स हाउस का मतलब अपने से कोई भी ग्रह द्वादश भाव में जाएगा अपने से पीछे जाएगा तो उस चीज को असंतुष्टि बोलते हैं अनसेटिस्फैक्शन बोलते हैं आपस में को नहीं बैठना बोल सकते हैं इसलिए बृहस्पति का अर्थ यहाँ पे समझदारी से भी है तो आपको समझदारी से काम लेना चाहिए आपको अपने ऊपर कंट्रोल ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि बृहस्पति ग्रस्त सुख का मालिक है संतान सुख का भी मालिक है मेंटल स्ट्रेंथ और फाइनेंस इन सब का मालिक बृहस्पति है तो बृहस्पति राशि से ट्वेल्थ हाउस में बृहस्पति सेवन्थ हाउस से ट्वेल्थ हाउस में जाने का अर्थ यही है कि वो सेवन्थ हाउस के सुखों से आपको कमी करेगा असंतुष्ट करेगा कोई न कोई उस मामले में आपको कमी महसूस होगी कमी का मतलब यही है कि मेल जोल नहीं होना आपस में मनमुटाव होना मिसअंडरस्टैंडिंग होना और जो लेवल पर आप चाहते हैं उस लेवल का सुख आपको नहीं मिले और यहीं पर एक बात और उभर के आती है कि जो लोग अटैचमेंट में हैं जो लोग अफेयर में हैं जो लोग जो लोग कोर्टशिप कर रहे हैं उनको इस समय बिना बिना फालतू की बातों पर आर्ग्यूमेंट करने पड़ेंगे हो सकता है कुछ लोगों को यह संबंध विच्छेद करना पड़ेगा संबंध विच्छेद हो जाए अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो इस एपिसोड को ध्यान से सुनिए ध्यान से समझिए और हो सकता है तो उसको मनन करने की कोशिश कीजिए ताकि आप उस सिचुएशंस को इन स्थितियों को दूर कर सकते हैं टाल सकते हैं टाल देना आपके हित में है अब बात करते हैं वर्किंग एनवायरमेंट की अतः जॉब या बिजनेस की जॉब का अधिपति या आपकी बिजनेस हाउस का अधिपति टेंथ हाउस का अधिपति बृहस्पति है जो कि कुंडली में सिक्सथ हाउस में है तो जो कुछ भी एफर्ट जॉब के लिए करेंगे या बिजनेस में गेन के लिए करेंगे उस सिचुएशन को आपने रोग वाली स्थिति में आना है सेक्रीफाइस वाली स्थिति में आना पड़ेगा अर्थात आपने एज्यूम कुछ और किया था और सेक्रीफाइस करके उस बिजनेस को चला रहे हैं या वो वो जॉब वो गेन, वो डील आपको गेन नहीं दे पाई सक्सेस नहीं दे पाएगी आपको संतुष्ट नहीं कर पाएगी उल्टा हो सकता है जो पैसा आप लगाएं जो कैपिटल आप लगाएं जो टाइम पीरियड आप दें उससे भी आपको असंतोष हो जाए कि मैंने टाइम पीरियड तो बहुत लगाया लेकिन गेन नहीं हुआ या मैंने प्लानिंग सही नहीं की या जो सिचुएशन थी वो सिचुएशन ठीक ढंग से टैकल नहीं हुई ये हो सकता है इसलिए आपने उस एनवायरमेंट को कंट्रोल करना है जो जॉब में है उन व्यक्तियों को स्पेशली मैं सलाह देना चाहता हूँ बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है फाइनेंशियली मामलों के लिए जो भी व्यक्ति जिम्मेदार है चाहे वो बैंक में कैशियर हैं चाहे कोई कंपनी में फाइनेंस डिपार्टमेंट में है या कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका लेन देन ही फाइनेंस से रिलेटेड ही है उन व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए जो पैसे की डील या पैसे को लेकर के इधर से इधर मूव करते हैं फॉर एग्जाम्पल कि जो लोग ए में पैसा डालने वाले हैं जो पैसा ले के निकलते हैं वैन में और सारे दिन के बाद में वापस आते हैं सारी जगह पे प्लेसमेंट करने के बाद में उन लोगों को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि आपकी छोटी सी चूक लापरवाही आपको नुकसान दे सकती है आपकी जॉब पर प्रॉब्लम आ सकती है चाहे वो बैंक में कैरियर बैंक में कैशियर है तब भी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में है तब भी या आपके हाथों से अगर मैं डील होती है फाइनेंशियल डील होती है पैसे का लेन देन आप ही करते हैं तो आपको बहुत सावधान रहना चाहिए आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए अब बात करते हैं ट्रैवलिंग की तो जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में ये बोल सकता हूँ कि ट्रैवलिंग अच्छी होगी यदि आप घूमने फिरने भी जा रहे हैं तब भी मैं ये बोल सकता हूँ कि आपका टाइम पीरियड अच्छा पास होगा और जो एम लेकर के जा रहे हैं ट्रैवलिंग के लिए वो एम आपका पूरा होगा ट्रैवलिंग आपको सक्सेस देगी ट्रैवलिंग आपका मूड फ्रेश करेगी और ट्रैवलिंग आपको हैप्पी बना देगी अर्थात आपको खुश कर देगी अल्टीमेटली आपका माँ ये सब मिला करके मिला जुला सा है इसलिए आपको बहुत ज़्यादा देखभाल करके बहुत ज़्यादा सोच समझ करके जो चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो यही फायदा है कि समय से पहले आपको पता चल जाए कि आपका आने वाला समय कैसा है और आने वाला समय अच्छा है तो उत्साह से काम करिए और आने वाला समय यदि वीक है किस सेक्टर में वीक है उस सेक्टर से रिलेटेड आप सावधानी ज़्यादा रखिए तो ऐसा करने से आप अपना समय अपनी किस्मत को सवार सकते हैं टाइम पीरियड का फ़ायदा पूरा उठा सकते हैं और आपके फ़ायदे में आने से आपके सक्सेस होने से आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा खुशी होगी और हम चाहते हैं कि आपका परिवार खुशहाल रहे आप अपने घर में बहुत ही अच्छे ढंग से जिए बहुत खुश और प्रसन्नता से जिए आज बस इतना ही स्वस्थ रहिए प्रसन्न रहिए अपना ख्याल रखिए और अपने आसपास हरियाली जरूर बनाए रखिए नमस्कार